रशीद का आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। नाज़रीन, अब सरहदों की सूरतहाल की कोशिश करते हैं जानने की। सरहदों पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला। मोदी गवर्नमेंट के दौरान मुकम्मल तौर पर सीज फायर का ऐलान किया गया। किसी वक्त ये इम्प्लीमेंट होता दिखा, लेकिन 90% इम्प्लीमेंटेशन होने के बावजूद भी कई एक बार कई मौकों पर जो है हमने दरअंदाजों को भी पाया, दरअंदाजी होते हुए भी देखा। लेकिन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बयान के मुताबिक और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के IGP के बयान के मुताबिक सरहदों पर इस वक्त भी 200 से 3 मिलिटेंट जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करने के फराक में है। यानी 200 से लगातार 250 के बाद 300 मिलिटेंट सरहद के इस तरफ आने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इन बातों का इजहार इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जरा अबला के नुमाइंदों के साथ खसूसी बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि चूंकि बर्फ और मगरबी हवाओं के साथ साथ जब मौसम की तब्दीली वाजह तौर पर ग्राउंड पे आनी शुरू हो जाएगी तो उसमें सरहदों पे आपको और ज्यादा चौकसी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है कि वो सरहद जो कि सरहदी हिफाजती फोर्स कहलाती है कि वो आज खुद इन सरहदों की हिफाजत पर मामूर है, जिसपे आपका इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदों में आपको जब आप इन सरहदों की बात करते हैं, आर्निया सेक्टर के बाद आपका गुरेज सेक्टर है, ऊडी सेक्टर है, कृष्णा घाटी का सेक्टर है, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर मिलिटेंटों की इन्फिल्ट्रेशन को कई बार हमने देखा। लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आदादोशुमार ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगले 2 महीने जो हैं चूंकि बर्फबारी में गुजर जाएंगे और बर्फबारी में गुजरने का मतलब है कि आपको अलर्ट बहुत ज्यादा रहना होगा, क्योंकि आपने गुडूल का ऑपरेशन देखा, आपने बफलियास, कंडी, बाटा, दूरिया, रजौरी, पुंछ और मुतद्दद इलाकों में आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का यह एतराब भी पाया कि वाकई दरअंदाजी जो है वो नए सिरे से हुई है। दरअंदाजी के बाद ही मिलिटेंट इस फिराक में है कि कब वो जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में आकर यहां पर अपनी कार्रवाई दोबारा करें। अब आंकड़े क्या बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया, क्योंकि डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कल भी कहा कि मिलिटेंसी एकदम खत्म नहीं हुई है, आखिरी बंदूक जो है खामोश करने के लिए मजीद कुछ वक्त दरकार चाहिए। तहम डायरेक्टर जनरल RR स्वैन ने कल कहा, गैर मुल्की मिलिटेंट सबसे बड़ा चैलेंज है, मजबूत मैकेनिज्म के साथ काम जारी रखना होगा। लेकिन सरहदों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो जिम्मेदारी है उसके ऐन मुताबिक अब आपको 200 से 300 मिलिटेंट जो है लॉन्चिंग पैड्स पे हैं, जो मुकम्मल तैयारी करके इस तरफ आने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ मोदी गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर या विफाकी वजीर अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि 2026 तक जो है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी से मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर मिलिटेंसी का खात्मा तय है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर चूंकि सरहदों के एतबारियत, सरहदों का जो जम्मू कश्मीर के साथ आना जाने का सिलसिला है उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो विजय यादव है जो कि इंस्पेक्टर जनरल हैं, उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में 200 से 300 के करीब ऐसे मिलिटेंट लॉन्चिंग पैड्स में हैं जो सरहदों के बाद इस तरफ का रुख करते हैं।